मैं देखती हूँ जी। गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। कौन था रश्मि? कहता नहीं, कोई पागल था, बोल रहा था मुझे भी चाहिए, तुम्हारा नाम लेके भाग गया। मेरा नाम लेके भाग गया? ऐसा तो एक ही आदमी है, वो भी मथुरा में। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ पलक आपके साथ। तो बस जी, आ गई हूँ मैं लेकर आपकी चाय की तरह एकदम खड़क शो। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना का, जब प्यार किया तो डरना का। बुड्ढू जल्दी बाहर आओ। जब प्यार किया तो डरना का, जब प्यार किया तो डरना का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए डर। विकास, क्या कही थी मैंने? छोटे भैया तुमसे पहले शादी कर लेगा। ये देखो, अब तुम ना जीवन भर अकेले रही हो। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? एक बार भी तू मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। शादी करनी थी ना तुझे, शादी करनी थी ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकता था? मेरी भी तो बात चल रही थी। पता है, आज तक शुक्ला खानदान में कभी ऐसा ना भयो कि छोटा भाई ने बड़ा भाई से पहले शादी कर ली, नहीं इस तरह से भगोड़े भगोड़े की तरह शादी करी है। पर तुझे तो इतिहास बदलना था ना, बदल दिया इतिहास। खुश हो? तूने ऐसा किया क्यों? भाग के शादी क्यों करी तुझे? इतनी अच्छी लड़की है, जरा सिर्फ कपड़े कम है, पर कोई बात नहीं, हम करवा देते तेरी शादी। एक बार तू कह के तो देखता, अपनी माँ से तो कह सकता था ना। मम्मी स्टॉप, प्लीज। चिका उठवा ले तुम्हें हमारे बेटे से, हमें तुमसे जो उम्मीद नहीं थी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जीजू, तुम्हारी इज्जत की छोड़ो, मेरे प्यारे विकास के बारे में सोचो है? अब इसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना, अब भाई कुंवारे तो मरेगा जे। अरे रे बैरी सर, मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है ना। अरे विकास भैया के मुंह पे तो काली पोत दी ना थोड़े भैया ने। ए साले, साले साहब, आप लोग चुप करेंगे? ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़िए आप लोग, समझे? अरे हमारे भैया पे क्यों चिल्ला रहे हो? अब जो होना सा तो हो गया, अब इस लड़की से पूछ लो इसको कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता है, बस। अरे चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। और क्यों ना बोले, ये कौन सा परिवार, कैसा परिवार, जहाँ परिवार में छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत तक ना करता है।
ये तो बाबूलाल ने हमें बता दिया, नहीं तो इसके संग भागने वाला था ये चुपके। वो देखो देखो उसका बैग पड़ा। ये कैसे होगा? दे दे ले ले लो। खान साहब किधर चले, आप ही की कमी थी, आइए। वो नहीं लाए अपना बस। अब्बास मतलब ये बात तुझे पता थी? अरे हम पूछ रहे हैं, कुछ पता थी जी? सारी दुनिया को पता है, बस परिवार को ही ना पता। अरे उधर क्या देख रहा है, पूरी रामायण हो चुकी है, बस तुम अपना मुंह खोल दे। तुम तो हमें ये सब बता सकते थे ना, या इनको तो रोक सकते थे कि ये सब ना करे। अंडिया मैं क्या कहता, अब तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ भूल जाओ, आप ना इन दोनों को माफ कर दो और इन दोनों की शादी करा दो। शादी? पगला गए होगा? आप कैसे करा दे शादी? अरे पंखा क्या है क्या तू? मतलब इन दोनों की शादी ना होगी क्या? तेरा दिमाग तो सही है ना, एक बार जब शादी है गई तो दोबारा क्या करा है? है गई? कब? अरे हाँ शादी तो है नहीं, वो देखो फोटो देखो, ये फ्रेम देखो, हमारे सामने हुए सातों के सातों फेरे, हम वहां से लेके आप वहां नहीं होते। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए और समाज वालों के लिए इनकी शादी एक बार फिर करा दो धूमधाम से, इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ ऐसे कर दीजिए जी, सही है, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ आंटी जी, माँ बाप के बिना शादी शादी थोड़ी ना। अरे तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ना बताया, है कौन वो? कौन है? मैंने आपसे पहले ही कही थी, जो बात का डर था वही हुआ। जे का किया कांड तुमने रश्मि, अपने बाप की इज्जत के बारे में एक बार ना सोचा? सर पे चुनाव है, सारा शहर हम पे थूकेगा, मामा जी पे थूकेगा। आपने कही थी श्रीकांत विधायक बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, सीएम बनेगा, लेकिन अब जब आपको पार्टी से लात मारकर निकाल देंगे तो सब खत्म ही है। मुझे तो चक्कर आ रहे, मुझे तो मामा जी कहीं के नहीं। हमें बोल देती हम करवा देते तेरी शादी। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, करम चलो जो कुछ भी हो रहा है ना।